Notorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time. Hello everyone. A very good evening all of you and welcome to the class of the chemical technology and welcome to the platform of the Unacademy. So, a very good evening everyone. Niyati beta good evening. Yogesh beta very good evening. चलो भाई जल्दी से आप लोग यार एक बार शेयर मार दो कि अपने एंड से मैक्सिमम लोग जो है ना क्लास को ज्वाइन कर सकें, ठीक है ना? क्योंकि आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जहां से आपको मैक्सिमम टाइम गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम, ठीक है? आज होपफुली सभी ने मॉर्निंग वाला क्लास अटेंड किया होगा, प्रैक्टिस सीरीज वाला, तो वहां पर आपको पता भी चला होगा कि अल्टीमेटली किस तरह के क्वेश्चंस आपके पॉलीमर और आपके पेट्रोलियम वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपने आज फील भी कर ली होगी। तो उसी सीरीज में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलरली ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से आपका गेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? तो आज की क्लास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? सो अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनते हुए चलना, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है बेटा, कंफर्म करो जल्दी से, साउंड नहीं आ रहा है क्या? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, प्लीज कंफर्म देयर इज माय वॉइस इज प्रॉपर और नॉट, आई एम ऑडिबल और नॉट, जल्दी से कंफर्म करो, सभी लोग जल्दी से कंफर्म करो यार, जल्दी से, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? जल्दी से बताओ भाई, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है?
आ रही है ना? चलो चलो ठीक है, आ रही है ना वॉइस? ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी आज मॉर्निंग का सेशन मिस कर दिया है, जो प्रैक्टिस सीरीज मैंने आज मॉर्निंग में लिया था, जिन लोगों ने भी मिस कर दिया है, वो लोग आज ही जाकर के वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का सेशन आज ही जाकर के देख लेना। वहां से आपको पॉलीमराइजेशन और दूसरा आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, जो आप पढ़ते जा रहे हो लगातार, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपके कराए थे। तो वो क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं और आपको लगाने के बाद में एक वहां से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना? तो आज का क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर जिसने मिस किया है वो सभी लोग जाकर के, कोई दिक्कत नहीं, तुम सबसे पहले आए थे योगेश यार, तुम चले गए थे क्या? ठीक है ना, चलो तो अब बात करते हैं अपने आगे मेन मुद्दे पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान सुनते हुए चलते हैं, बस है ना, बस जो रोज करते हैं उतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ फॉर दोस हु आर लिसनिंग मी एट द फर्स्ट टाइम ऑफ अन अकेडमी। तो माई सेल्फ सुमित प्रजापति, गेट एंड पीयूसीयूज के लिए मैं 5 साल से लगातार टीचिंग करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा बेनिफिट ये है कि टोटल जो टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे को हो चुका है दैट इज मोर देन 8 ईयर्स। तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस में केवल गेट का एक्सपीरियंस तो 5 साल का है, बाकी जो एक्सपीरियंस है दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ द गेट के फील्ड को अगर मैं अलग कर देता हूँ तो वहां पर आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स मैनी टाइप के स्टूडेंट्स को मैंने सेमिनार प्रेजेंटेशन समर ट्रेनिंग और इसके अलावा आपका नॉर्मली जॉब रिलेटेड क्वेरीज सारा का सारा मैंने टोटली आपका डील किया हुआ है। तो इसमें अगर आप बात करते हो जॉब रिलेटेड क्वेरीज या वैकेंसी से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जिसका एक सेशन अभी मैंने हाल ही में लिया था पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड, और बहुत जल्द आपका एक न्यू सेशन भी मैं लेकर के आने वाला हूँ कल फर्टिलाइजर से रिलेटेड। तो अल्टीमेटली आपका अगर ऐसा कुछ है कि नहीं केमिकल इंजीनियर्स के लिए कुछ भी लाइफ में नहीं है, उनका कैरियर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, गेट और पीएसयू अगर नहीं निकला तो आपका कैरियर ऐसा लगता है आपको कुछ अंधेरा सा दिखने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहते हो तो वहां पर आपको एक पॉजिटिविटी ऑब्वियसली मिलेगी, और वो पॉजिटिविटी मिलेगी आपको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, हाँ किस तरह से अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं वो लगातार मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको थ्रू आउट द योर एंटायर लाइफ, जब तक कि आप सेटल नहीं हो जाते हो तब तक मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ, जब तक आप अपनी लाइफ में एक जॉब प्रोफाइल एक बेहतरीन जॉब प्रोफाइल के साथ में सेटल नहीं होते हो। तो उसके लिए नॉर्मली क्या है, आप मेरे को लगातार फॉलो कर रहे हो, जिस भी फॉर्म में फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब में फॉलो कर रहे हो, प्लस में फॉलो कर रहे हो, स्पेशल क्लास में फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। अब अगर एक बात करते हैं कि नॉर्मली अगर मैं प्लस की बात करता हूँ तो प्लस के अंदर देखो फायदा आपको एक ये मिलता है कि वहां पर आपको देखो लाइव क्लासेस तो मिलने वाली हैं। अभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी आपको ये फील नहीं आता है कि नहीं हम लोग कुछ मिस करते हुए जा रहे हैं। आप गेट क्वेश्चन लगाओगे आपके पूरे के पूरे गेट क्वेश्चन निकलेंगे, ये मेरा पूरी के पूरी मैं वारंटी के साथ में चलता हूँ एंड गारंटी के साथ में चलता हूँ, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पर भी अगर आप सबका सब कुछ क्वेश्चंस अगर निकल रहे हैं, सोचो जो प्लस के दौरान मेरे से पढ़ रहा होगा उसका लेवल क्या होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, अब वो प्लस का स्टूडेंट डेली मेरे कॉन्टेंट पे बना रहता है, एक नॉर्मल क्या है कि एक नॉर्मल इंट्रैक्शन डेली होता रहता है। तो वो स्टूडेंट अगर मेरे साथ अगर अभी 1 साल तक 2 साल तक जब तक वो जुड़ा रहेगा, नॉर्मली क्या है थ्रू आउट द लाइफ में क्या है उसका हेल्प करने वाला हूँ किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है ना। कोई भी हो, स्टूडेंट्स आर द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो वहां पर आपको प्रॉपर नोट्स के साथ में सब्जेक्ट का कंप्लीशन मिलता है एट अनदर लेवल, ठीक है ना। अभी यूट्यूब में जो आप फीलिंग ले रहे हो इससे भी एक अलग लेवल की फीलिंग आपको मिलती है। दूसरा क्या है कि जो असाइनमेंट मैं प्रोवाइड करूंगा वो असाइनमेंट के क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एक ऐसा फील आएगा कि नहीं मैंने कुछ ऐसा किया है कि अब अगर गेट का एग्जाम अगर देने जाऊंगा तो वहां पर एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ में जाऊंगा, ठीक है ना। तो वो असाइनमेंट के क्वेश्चन जो क्विज आप देने वाले उसका टेस्ट क्वेश्चन टेस्ट पेपर्स दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बिल्डअप ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से आपका बूस्ट होता है फॉर द पर्पज ऑफ प्लस की अगर बात करता हूं तो। अगर हम लोग आइकॉनिक की बात करते हैं तो आइकॉनिक के अंदर भी नॉर्मली आपको ये सारी फैसिलिटीज तो मिलती ही मिलती हैं। इसके अलावा आपको आइकॉनिक के अंदर जो मिलता है एक पर्सनल कोच और मेंटर, वो लगातार आपको ये डील करेगा कि बेटा किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनाते हुए मूव करना है। स्ट्रेटजी तो हम भी बताते हैं डेली, ठीक है ना।
गाइडेंस हम भी डेली आपको प्रोवाइड करते हैं, हर चीज में हर मोड़ में आपके साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर लगातार एक एजुकेटर टाइम नहीं दे पाता है, आप भी जानते हो, तो आपके लिए एक नॉर्मली एक आपका कोच जो है ना वो थ्रू आउट द आपका अवेलेबल है, जिससे आपको किस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे आपको पर्टिकुलरली सेक्शंस पे काम करना है, कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, ये सारा का सारा जो है ना वो आपको डील करता रहेगा। दूसरा ये है कि आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल, ये बेनिफिट्स आइकॉनिक के हैं, ठीक है ना। अब अगर प्लस की बात करते हैं भाई, तो प्लस के लिए नॉर्मली क्या है, अगर सुमित सर के साथ में एक रिलेशनशिप और कॉन्टैक्ट और प्योर बॉन्डिंग के साथ में बने रहना है किसी भी फॉर्म में, गेट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, ठीक है ना, जॉब से रिलेटेड हेल्प चाहिए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, रिसर्च पेपर से रिलेटेड हेल्प चाहिए, ठीक है ना, इंटर्नशिप से रिलेटेड हेल्प चाहिए, हर तरह की हेल्प आपको प्रोवाइड की जा रही है, मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मनी सर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सैलेंस सर भी प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। तो आप लगातार अगर कॉन्टेंट बने रहना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली क्या है, अपने बीच का जो एक फीलिंग वाला पार्ट है, जो ब्रिज वाला पार्ट है, जो हमारे और आपके बीच का एक बॉन्ड है, दैट इज द ओनली द प्रैक्स 100। इस कोडिंग के थ्रू क्या है, नॉर्मली एक बॉन्ड हमारे और आपके बीच का बनता है। सिंपली क्या, अगर आप प्लस की तरफ मूव करते हो तो आपको 27,025 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये नॉमिनल कॉस्ट को पे करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है, आप मंथली पे कर सकते हो, आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, और आप चाहते हो अगर बाई पार्ट पे करना चाहते हो तो बाई पार्ट पे कर सकते हो, ठीक है ना, आप जैसे पे करना चाहते हो वैसे पे कर सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करता हूं कि अगर आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक के अंदर आपको एक साल और दो साल का दो ही प्लान मिलते हैं, आप अगर आइकॉनिक चूज करना चाहते हो तो आप आइकॉनिक चूज कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा अगर बात करते हैं कि नॉर्मली अगर आपको मेरा कोड ये ध्यान नहीं रखता है, प्रैक्स 100 अगर ध्यान नहीं रहता है, तो SKP100 सुमित कुमार प्रजापति 100, यहां से आपका कोड बना हुआ है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से भी आपको 10% का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा अगर बात करते हैं कि नॉर्मली जो मेरे को अभी तक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बेटा केमिकल टेक्नोलॉजी जो है ना, केमिकल टेक्नोलॉजी कराने के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा फ्रूट मैकेनिक्स जो है ना वो चल रहा है, फ्रूट मैकेनिक्स के फिनिश होने के बाद मैं मैकेनिकल ऑपरेशन लेकर के आऊंगा, और मैकेनिकल ऑपरेशन के बाद फिर मैं केमिकल टेक्नोलॉजी कराऊंगा, ठीक है ना साहित, फिर मैं केमिकल टेक्नोलॉजी कराऊंगा। तो केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बाकी सब्जेक्ट जो है ना वो पहले कवर करूंगा प्लस में, फिर केमिकल टेक्नोलॉजी कराऊंगा, ठीक है ना। तो जो मेरे को अभी तक फॉलो नहीं कर पा रहा है भाई, मेरा सिंपली आप नाम सर्च करके टाइप करके मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे जितने भी लेक्चर्स, अगर आप प्लस के स्टूडेंट हो तो मेरी FM पूरी की पूरी आप फॉलो कर सकते हो एक बेहतरीन फीलिंग के साथ। जो आपके स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स में ले चुका हूं, मैं मैक्सिमम जो लेक्चर्स लेता हूं स्पेशल के दौरान सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट के फॉर्म में लेता हूं। आप इंजॉय करोगे, बेहतरीन फीलिंग के साथ में इंजॉय करोगे, इस चीज का आप लोग खुद फील करोगे जब आप पर्टिकुलरली कोई भी लेक्चर देखोगे तो, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, तो आप लोग हमें सिविल एंड केमिकल वाले चैनल पर हमें देखते रहते हो, प्लैनेट गेट को आप इंजॉय करते रहते हो, इसके अलावा जो डिफरेंट ब्रांचेस के चैनल और भी अवेलेबल हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हो, तो वो लोग भी यहां से इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, अनअकैडमी आप लोग के लिए लेकर के आया है एक बिग स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है ना। तो ये स्कॉलरशिप के लिए आप नॉर्मली आपको क्या करना है, एक कॉम्बैट फॉर्म में आपको एक टेस्ट ज्वाइन करना रहेगा, हर संडे को ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अभी आपका कल ये टेस्ट होने वाला है, 11 AM पर सुबह आपका होता है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना रहेगा कि 1 आवर का कॉम्बैट टेस्ट आपका होगा, उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी आपके मार्क्स आते हैं उस लीडर बोर्ड में आपका, जिस तरह से भी आपके मार्क्स शो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए जो ब्रांचेज एलिजिबल हैं वो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS एंड IT, ये ब्रांचेज एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो अपने फ्रेंड्स को आप रेफर कर सकते हो, केमिकल का भी इसमें कोई भी नॉर्मली आपका यहाँ पर नाम नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है, आप लोगों की बहुत डिमांड थी, बहुत डिमांड आपकी थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिमांड के अकॉर्डिंगली फ्रूट मैकेनिक्स केमिकल इंजीनियर्स के, खास करके केमिकल इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए एक फ्रूट मैकेनिक्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 24th of April से, सेम टाइम 8:30 PM पर हम लोग की मुलाकात होगी, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर क्लास को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, ताकि जितने भी लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग फ्रूट मैकेनिक्स का फील चाहिए, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। बेहतरीन फॉर्म में इंजॉय करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए हम लोग इसको चलेंगे, ठीक है। तो 24th of April से इसको ध्यान रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि कल जो नेक्स्ट मैं जॉब वाला सेशन लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, दैट इज द फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में किस तरह से आप मूव कर सकते हो विदाउट एनी गेट स्कोर, किस तरह से आप फर्टिलाइजर मूव कर सकते हो ऑफ कैंपस, किस तरह से आप फर्टिलाइजर में मूव करते हो, फर्टिलाइजर से रिलेटेड जितना भी बड़ा सेक्टर है पूरा का सेक्टर का इन्फॉर्मेशन कल आपको मिलेगा 3 बजे। शेयर मार देना अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी जूनियर्स के साथ, सभी सीनियर्स के साथ। जो केमिकल इंजीनियर का बंदा है उसको पता होना चाहिए कल ये सेशन होने वाला है, क्योंकि सेक्टर अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा सेक्टर है,
फर्टिलाइजर वाला, तो कल मैं इसको लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना। चलो तो होपफुली सभी मैक्सिमम ज्वाइन कर चुके होंगे ना, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा पंकज, ये फ्रूट मैकेनिक्स जो है ना ये यूट्यूब पर स्टार्ट होगा, ये फ्रूट मैकेनिक्स यूट्यूब पर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर क्लास अपनी। चलो आज का जो टॉपिक, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में इस टॉपिक से कम से कम 4 से 5 बार से क्वेश्चन आपका रिसेंट 10 to 15 ईयर्स में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो कल हम लोगों ने ये पता कर लिया था, जरा ध्यान सुनते हुए चलना। कल हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि नॉर्मली कोई भी जो आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर प्राइमरी सप्रेशन यूनिट्स आपकी जो होती हैं, दैट आर द एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, वहां से निकलने वाले जो आपके फ्रैक्शंस थे, जो कट्स थे, जो प्रोडक्ट्स थे, उनको हम लोग ट्रीट कर रहे थे कहां पर, उनको हम लोग ट्रीट कर रहे थे फ्लूडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट में। तो उसका इंफॉर्मेशन लेने के बाद रिएक्टर किस टाइप का बिहेव करता है, रिजनरेटर किस टाइप का बिहेव करता है, ठीक है ना। रिएक्टर का जो टेंडेंसी होती है थर्मोडायनेमिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो रिएक्टर की टेंडेंसी आपकी कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है, और रिजनरेटर की टेंडेंसी आपकी एक्सोथर्मिक होती है। तो कल अपने को इतना तो पता चल गया था, ठीक है। तो अब एफसीसी से निकलने वाले जो आपके क्या है प्रोडक्ट्स हैं, सुनना जरा ध्यान से। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। एफसीसी से निकलने वाले जो आपके प्रोडक्ट हैं उन पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग लेकर के जाते हैं किधर पे, उनको लेकर के जाते हैं आपके सेकंड जो आपकी क्रैकिंग की यूनिट होती है। क्या बोला मैंने, सेकंड जो क्रैकिंग की यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रीफॉर्मिंग। बहुत ध्यान सुनते हुए चलना भाई आज का क्लास। क्या बोला हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, रीफॉर्मिंग, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, जरा ध्यान समझना इसका सिग्निफिकेंस क्या, जरा इसको ध्यान समझना। रीफॉर्म, रीफॉर्म जो स्ट्रक्चर है आपका, उस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है। सपोज मान लीजिए क्या है, जो एफसीसी यूनिट से निकलने वाला आपका प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट में क्या था, गैसोलीन था, गैसोलीन था। अब ये जो गैसोलीन है, ये गैसोलीन का जो यहां पर ऑक्टेन नंबर है, अभी ये जो ऑक्टेन नंबर अभी इसके पास है, दैट इज ओनली इन द रेंज ऑफ 80 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट अ गुड ऑक्टेन नंबर, ठीक है। हमें जो फ्यूल के लिए यूज करना है, फ्यूल के पर्पज से यूज करना है, दैट विल बी 90+, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए अपने पास जो अवेलेबल ये कट्स हैं, ये जो निकल करके फ्रैक्शंस आए थे एफसीसी से, और इसके अलावा जो आपकी हाइड्रोक्रैकिंग, हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट्स होती हैं, इनका जो डिस्टिलेट होता है वो सारा का सारा हम लोग यूज करते हैं इसमें एज अ फीड। क्या बोला मैंने, क्या बोला, यहां से निकलने वाला, एफसीसी से निकलने वाला जो आपका नेफ्था होता है, इसको नॉर्मली हम लोग नेफ्था ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका नेफ्था होता है। इसके अलावा जो आपका हाइड्रोक्रैकिंग, जो आपका जो हाइड्रोक्रैकिंग की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, यहां से निकलने वाला जो डिस्टिलेट होता है नॉर्मली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्था बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कई फ्रैक्शन अभी क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, इसलिए उसको नेफ्था बोलते हैं। हाइड्रोक्रैकिंग का जो आपका नेफ्था होता है, ठीक है ना। इसके अलावा विस ब्रेकिंग की यूनिट होती है, लास्ट में यूनिट होती है, इस विस ब्रेकिंग यूनिट का जो आपका नेफ्था होता है, इसका जो आपका नेफ्था होता है, ये सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं, ये सारा का सारा हम लोग फीड करते हैं किसमें, रीफॉर्मिंग में। अब यहां पर होने क्या वाला है, बहुत ध्यान समझना, यहां पर होने क्या वाला है उस चीज को बहुत ध्यान समझना है। अब यहां पर सिंपली देखो, सिंपली अपने को करना क्या है उसको सुनना जरा ध्यान से। रीफॉर्म करना है अपने पास जो अवेलेबल स्ट्रक्चर है, अपने पास जो अवेलेबल स्ट्रक्चर है, सपोज मान लो कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको इस तरह से दिया जा रहा है, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रक्चर अगर दिया जा रहा है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, तो हमें करना क्या है, इसको विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, सुनना जरा ध्यान से, इसको विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इसको कन्वर्ट करना है किसमें। अगर सपोज मान लो, अगर ये आपका पैराफिन है, अगर सपोज मान लो ये आपका पैराफिन है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको कन्वर्ट करेंगे नेफ्थीन में। इसमें कन्वर्ट करेंगे पैराफिन को, इस पैराफिन को कन्वर्ट करेंगे नेफ्थीन में, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मली क्या है, पैराफिन को अगर नेफ्थीन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए नॉर्मली क्या है, या तो हम हाइड्रोजनेशन का यूज करेंगे, हाइड्रोजनेशन का यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली ऐड कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो रिफॉर्मिंग रिएक्शन है वहां पर हम लोग हाइड्रोजन एडिशन करते हैं,
उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि अल्टीमेटली कोई भी जो आपका स्ट्रक्चर होता है पैराफिन या नेफ्थीन का, तो वो स्ट्रक्चर अगर सपोज मान लीजिए अगर पैराफिन का है तो पैराफिन का अगर हाइड्रोजनेशन कर देंगे, हाइड्रोजन को अगर आप ऐड कर दोगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेफ्थीन्स, और नेफ्थीन का अगर आप क्या कर दोगे, सुनना जरा ध्यान से, अगर नेफ्थीन का आप डीहाइड्रोजनेशन कर देंगे, नेफ्थीन से डीहाइड्रोजनेशन कर देंगे दैट विल बी कन्वर्टेड टू एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, अल्टीमेटली हमें किसी भी तरह से हमें जो पैराफिन्स और नेफ्थीन्स जो है ना इनको कन्वर्ट करना है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली क्या करते हैं, अगर पैराफिन से आपने ऑलेफिन बना लिया है तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं डिहाइड्रोजनेशन करेंगे नॉर्मली, तो ये बन जाएगा आपका क्या, दिस विल बी द नेफ्थीन, और नेफ्थीन का साइक्लाइजेशन रिएक्शन कर देंगे दैट विल बी कन्वर्टेड टू द एरोमेटिक। अल्टीमेटली हमें किसी भी तरह से एरोमेटिक तक पहुंचना है, बस दिस इज योर आवर एम। अपने को अच्छे से पता है कि अगर हम लोग एरोमेटिक तक पहुंचेंगे तो मतलब अपने जो फ्यूल होगा उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर स्लाइटली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये मेन आपकी क्या होती है, रिएक्शन होती है जिसके अंदर कवर होती है हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपकी जो होती है उस पर्टिकुलरली रिफॉर्मिंग के दौरान आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है, जिसके थ्रू आपका मेन एम क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द प्रोडक्ट्स इनटू द एरोमेटिक, जिससे कि अपना आपका जो ऑक्टेन नंबर है दैट विल इंक्रीज्ड, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, तो यहां पर क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना जरा, यहां पर होने क्या वाला है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर एक फायदा आपको मिलने वाला है कि ये एरोमेटिक जो है ना, ये एरोमेटिक आपका गैसोलीन में कंट्रीब्यूट तो करेगा ही करेगा, दूसरा क्या है, यहां से जो प्रोडक्ट निकलता है जो एरोमेटिक रिच प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिफॉर्मेट। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं रिफॉर्मेट, ठीक है। रिफॉर्मेट का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका बेंजीन होगा, बहुत ध्यान सुनना, इसके अंदर टॉलुइन होगा, इसके अंदर जाइलीन होगा। तो अपने को पता है दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड, तो दीज विल कंट्रीब्यूट इन द इंक्रीजिंग द ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल एंड एज वेल एज दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड विच आर रिक्वायर्ड इन द पेट्रोकेमिकल सेक्शन, ठीक है। तो ये बेंजीन टॉलुइन जालीन जो है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड अपने को क्या है, बेंजीन रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या कहीं पर, लैब के अंदर यूज करते हो रेजिन, टॉलुइन यूज करते हो, जालीन यूज करते हो, तो अल्टीमेटली आपको यहां से एक तरह से एरोमेटिक रिच फ्रैक्शन मिलता है, ठीक है। बेंजीन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, किसी को आइडिया, बेंजीन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, किसी को आइडिया, इस चीज पे बहस हम लोग पहले कर चुके हैं एक बार। बेंजीन का जो ऑक्टेन नंबर होता है दैट इज 102, बेंजीन का ऑक्टेन नंबर होता है दैट इज द 102, ठीक है ना। टॉलुइन का जो ऑक्टेन नंबर होता है दैट इज द 109, सबसे हाईएस्ट इनमें से आपका एरोमेटिक कंपाउंड किसी का अगर होता है ऑक्टेन नंबर, वो टॉलुइन का होता है 119, ठीक है ना। तो टॉलुइन कंटेंट अगर अवेलेबल है आपके किसमें, गैसोलीन फ्रैक्शन में, तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि उसका ऑक्टेन नंबर जो होता है रिच होता है, लेकिन सारा का सारा टॉलुइन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन एरोमेटिक का होगा, बाकी आपके नेफ्थीन्स हो सकते हैं, आइसोपैराफीन्स हो सकते हैं, पूरा का पूरा एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है ना। तो अब ये टॉलुइन क्या करेगा, अल्टीमेटली अगर इसका फ्रैक्शन अगर उसमें अवेलेबल है फ्यूल में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा ऑक्टेन नंबर को एनहांस करने में, ठीक है ना। बेंजीन जो होता है, बेंजीन को नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने फ्यूल में जगह नहीं देते हैं, क्यों, इस चीज का एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूं। बेंजीन की टेंडेंसी जो होती है, जब ये इंजन के अंदर जाकर के बर्न करता है, तो इससे आपकी जो गैसेस निकलती हैं, जो फ्ल्यू गैसेस निकलती हैं, दैट आर कॉजेस कैंसर, ठीक है ना। कैरोसिनोजेनिक आपका नेचर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली बेंजीन आपका फ्यूल में, गैसोलीन फ्यूल में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जब ये इंजन के अंदर बर्न करता है ना, तो ये क्या करता है, वहां से जो हार्मफुल गैसेस आपके एग्जॉस्ट गैसेस जो निकलती हैं दैट विल कॉज कैंसर। इसलिए बेंजीन का हम लोग यूज नहीं करते हैं फ्यूल के दौरान, बाकी आपका टॉलुइन जाइलीन इनका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये तो एरोमेटिक की बात हो गई, सुनना जरा, ये तो एरोमेटिक, जैसे एग्जाम्पल दूं आपके पास जो नॉर्मल हेप्टेन होता है ना, ठीक है ना। इस नॉर्मल हेप्टेन का अगर आप क्या कर दोगे, अगर इस नॉर्मल हेप्टेन का अगर आप हाइड्रोजनेशन कर दोगे दैट विल बी कन्वर्टेड टू द टॉलुइन,
अब प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, हाइड्रोजन भी निकलेगा। आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये टॉलुइन अपने को मिल गया, एरोमेटिक रिच, और दूसरा क्या, हाइड्रोजन निकल गया। तो पूरी की पूरी रिफाइनरी की सिंगल निकलौती यूनिट ऐसी है जो कि हाइड्रोजन आपको एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देती है, हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देती है, इसी यूनिट से निकलता है रिफॉर्मिंग से। क्लियर हुआ, ये केमिस्ट्री पूरी की पूरी क्लियर हो गई कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है। मारो जरा स्क्रीनशॉट जल्दी से एक बार, स्क्रीनशॉट मारो जरा जल्दी से एक बार, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं मैं, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। हो गया, चलो इसका मारो जरा। ये लोग डेली का डेली यार कम होते जा रहे हैं भाई। ठीक है, यहां तक आई थिंक सबको पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा, यहां तक सबको पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो अल्टीमेटली अब देखो करना क्या है, बहुत ध्यान समझना जरा। अब अल्टीमेटली हमें करना क्या है, तो अब अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि हमें किसी भी तरह से, बहुत ध्यान सुनना, जो अभी हम पीछे बता के आ रहा हूँ ना मैं, पूरा का पूरा जो पीछे मैं बता के आ रहा हूँ ना, बस उसी की हम लोग को बात करनी है, उसी की बात करनी है। मैंने क्या बोला, रिफॉर्मिंग के अंदर क्या करते हैं, कैटलेटिक प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, जो लो ऑक्टेन नंबर, जब सीसी से निकलने वाला आपका प्रोडक्ट था लो ऑक्टेन नंबर, उस लो ऑक्टेन नंबर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, किसमें, हाई ऑक्टेन में, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिफॉर्मेट निकलते हैं, रिफॉर्मेट का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो रिफॉर्मेट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपका रिफॉर्मेट जो है ना एरोमेटिक प्रोडक्शन के काम आता है। एरोमेटिक बोला ना मैंने, एरोमेटिक बोला ना, उसके प्रोडक्शन में आपका क्या करता है, हेल्प करता है, सुनना जरा ध्यान से। दूसरा मैंने क्या बोला, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थीन्स टू एरोमेटिक, नेफ्थीन्स को एरोमेटिक में कन्वर्ट करना, डिहाइड्रोजनेशन हम लोग यूज करते हैं। पैराफीन्स का अगर आइसोमराइजेशन करते हैं तो आपका क्या बनता है, नेफ्थीन्स बनता है। पैराफीन्स का आइसोमराइजेशन कर देंगे तो नेफ्थीन बन जाएगा। एग्जांपल सुनना, एक और एग्जांपल सुनना, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा कंपाउंड है पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन जो आपका होता है, इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है पता है, इसका ऑक्टेन नंबर होता है 63। नॉर्मल पेंटेन का ऑक्टेन नंबर होता है 63 के अराउंड, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। और इसी का अगर आइसोमराइजेशन कर दिया आपने, नॉर्मल आपका अगर पेंटेन बन गया, सॉरी आइसो पेंटेन अगर ये बन गया, तो इसका ऑक्टेन नंबर आपका होता है 95। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द आइसोमराइजेशन। नॉर्मल पेंटेन था 63 ऑक्टेन नंबर था, आइसो पेंटेन में कन्वर्ट कर दिया, 95 ऑक्टेन नंबर हो गया। अब रिफाइनरी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिजायरेबल है, खुद पता चल रहा होगा। तो अल्टीमेटली फायदा मिलने वाला है किससे, ये से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन जो कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है ना, अपने पास अवेलेबल जो पैराफीन्स है उनको नेफ्थीन्स में आइसोमराइज कर दिया। दूसरा क्या मैंने बोला था, डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन, जो पैराफीन्स है उन पैराफीन्स को डिहाइड्रोजनेशन कर दिया और साइक्लाइजेशन अगर कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एरोमेटिक, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके सबके सब एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये मेजर रिएक्शंस आपकी जो होती हैं उस पर्टिकुलरली रिफॉर्मिंग के अंदर कंप्लीट होती है, रिफॉर्मिंग सेक्शन के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, हम कैटलिस्ट जो यूज करते हैं, कैटलिस्ट आपका होता है नॉर्मली प्लैटिनम और रेनियम, दो टाइप का कैटलिस्ट यूज करते हैं भैया। बहुत से बड़ा एक कंफ्यूजन यहां से ये आता है, ध्यान सुनना जरा, कि कभी कभी नॉर्मली आपने देखा होगा क्वेश्चन में तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलता है कि प्लेट फॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग की जगह प्लेट फॉर्मिंग लिखा हुआ मिलता है। तो ये नॉर्मली जो प्लेट फॉर्मिंग वर्ड है दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द रिफॉर्मिंग एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज रिफॉर्मिंग। लेकिन ये प्लेट फॉर्मिंग जो वर्ड आपका नेम दिया गया प्रोसेस का, ये एक्चुअली में प्रोसेस जो डेवलप की थी ये यूनियन यूओपी आपका क्या बोलते हैं यूओपिंग लाइसेंस, लाइसेंसर आपका है यूओपी, ठीक है ना, आपका अमेरिकन, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट का क्या है लाइसेंसर है, उसने ये प्रोसेस डेवलप की थी। तो उसने नाम दिया था क्या रिफॉर्मिंग के पहले, उसने नाम दिया था प्लेट फॉर्मिंग। तो पहले लोग इसको प्लेट फॉर्मिंग बोलते थे,
ठीक है ना। तो कंफ्यूज कभी नहीं होना कि रिफॉर्मिंग और प्लेटफॉर्मिंग कोई बहुत बड़े डिफरेंस होते हैं। दीज ऑल आर द सेम नेम्स। हाइड्रोफॉर्मिंग लिखा हो, रिफॉर्मिंग लिखा हो, प्लेटफॉर्मिंग लिखा हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे नेम जो है ना, सारे के सारे नेम सेम है। ठीक है, सारे के सारे नेम आपके सेम है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। तो हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जरा ध्यान सुनना, हम लोग तो कैटलिस्ट यूज करते हैं, दैट इज द प्लैटिनम प्लस प्लस रेनियम, प्लैटिनम प्लस रेनियम, ये कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं, प्लैटिनम प्लस रेनियम, ये कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, तो नॉर्मली प्लैटिनम प्लस रेनियम लिखा हो या प्लैटिनम सपोर्टेड ऑन पोरस एल्यूमिना लिखा हो, ठीक है, ये दोनों ही आपके कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, प्लैटिनम या रेनियम, या इनमें से प्लैटिनम सपोर्टेड ऑन पोरस एल्यूमिना, ये यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है ना, अब आते हैं प्रोसेस में, अब समझते हैं प्रोसेस को, बहुत ध्यान समझना जरा, अब समझते हैं प्रोसेस को, स्क्रीनशॉट मारो जरा जल्दी से, मैं आगे बढ़ूं फिर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं आगे बढ़ूं। आई थिंक हो गया होगा, है ना, अब समझना जरा इस प्रोसेस की ब्यूटी पे आते हैं, इस प्रोसेस की ब्यूटी पे आते हैं। मेरे को जल्दी से बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जल्दी से बोलो मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले मैं खुद ही चेक कर लूं। चलो दिख रहा है सब कुछ, है ना, हाँ सब कुछ दिख रहा है, चलो बहुत ध्यान समझते हुए चलना, विजिबल है ना, अब ये कोई नहीं बोलेगा विजिबल नहीं है, मैंने देख लिया अपने फोन में, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, चलो इसको समझते हुए चलना, फील करते हुए चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए मैं फ्लोशीट लेकर के आया हूँ, रिफाइनरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो आपका गैसोलीन फ्यूल होता है, गैसोलीन फ्यूल का पूरा डिपेंडेंसी इसी यूनिट के ऊपर है, ठीक है ना, इसलिए मैं फ्लोशीट लेकर के आया हूँ, सुनना जरा ध्यान से। अब नॉर्मली करते क्या हैं, आपके पास जो अवेलेबल फीड था, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, आपके पास जो अवेलेबल फीड था, ठीक है, उस फीड को क्या करना है, बहुत ध्यान सुनना, ये फीड आ रहा है आपका, देखो जरा, दिस इज योर फीड, अब इस फीड को क्या करना है, इस फीड को जब पास करते हैं किसके अंदर, अपने को पता है फीड के अंदर क्या है, मैं बता चुका हूं पीछे पीछे, ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मली जितने भी नेफ्थास हैं आपके, अब सीसी का क्रैकिंग का नेफ्था, हाइड्रो क्रैकिंग का नेफ्था, विज ब्रेकिंग का नेफ्था, ये सारे के सारे जो आपके नेफ्था हैं, ये हम लोग लेकर के आ रहे हैं इसके अंदर रिफॉर्मिंग के अंदर। पर्पस क्या है, पर्पस है लो ऑक्टेन नंबर है सभी का, इनका ऑक्टेन नंबर इन्हेंस करना है, तो ये गैसोलीन को क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो ये फीड जो आपका आ रहा है, इस फीड को पास करते हैं कहां से, इस फीड को पास करते हैं नॉर्मली एक एक्सचेंजर से, ये एक्सचेंजर लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज योर एक्सचेंजर, ये एक्सचेंजर से पास करते हैं। तो एक्सचेंजर से पास करने का पहला लॉजिक क्या है, सुनना जरा लॉजिक क्या है, हम एक्सचेंजर से पास कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, फीड जो है ना प्रीहीट होता है। ये एक्सचेंजर कैसा है, ये एक्सचेंजर आपका इस पर्टिकुलरली रिएक्टर 2 से भी कनेक्टेड है, अभी हम लोग रिएक्टर 2 में जब पहुंचेंगे तो वहां पर इस रिएक्टर के लिए आपको एक्सचेंजर की वर्किंग बताऊंगा, अभी के लिए फीड के लिए वर्किंग मैंने ये बोली आपसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फीड है उसको प्रीहीट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंजर, क्लियर क्लियर है, तो ये एक्सचेंजर दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, अब यहां से फीड जब आपका प्री हीट होकर के पहुंचता है तो इसको लेकर के जाते हैं सबसे पहले किसके अंदर, हीटर के अंदर, इसको लेकर के जाते हैं हीटर के अंदर। जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान सुनना, जितनी भी कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, ऑल कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, पीछे पढ़ के आए थे अभी एफसीसी में, एंडोथर्मिक थी क्रैकिंग ऑपरेशन जो हो रहा था, एंडोथर्मिक था, हीट प्रोवाइड की थी आपने, एक चीज को नोट कर लेना जरा कि तो क्रैकिंग ऑपरेशंस आपकी होती हैं, खास करके कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस जो आपकी होती हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग जो होती हैं, दीज ऑल आर द कैटालिटिक क्रैकिंग आर द एंडोथर्मिक इन नेचर, ये एंडोथर्मिक नेचर की है सारी के सारी, ठीक है, तो एंडोथर्मिक नेचर की है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, यहां पर हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, जो अपने पास जो फीड था उस फीड को पहले पास करते हैं हीटर के अंदर, ठीक है ना, हीटर पे पास करने के बाद नॉर्मली क्या कर दिया हमने, उसको पहले हीट अप करते हैं,
क्योंकि रिएक्टर के अंदर नॉर्मली वहां पर केवल रिएक्शन होने वाली है, वहां पर हम लोग हीटअप नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। तो वहां पर नॉर्मली क्या है, रिएक्शन का पार्ट आपका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि रिएक्शन आपकी जो है ना दैट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, तो हम लोग यहां पर रिएक्टर और फर्नेस, रिएक्टर और हीटर की जगह हम लोग फर्नेस ही बोल सकते हैं। नॉर्मली ये हीटर जो है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ फर्नेस, ठीक है ना। तो हम रिएक्टर फर्नेस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, रिएक्टर और फर्नेस का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। सुनना जरा ध्यान से, देखो पहला कॉम्बिनेशन ये दिख रहा है आपको, दिस इज योर फर्स्ट कॉम्बिनेशन हीटर एंड रिएक्टर, दिस इज योर सेकंड कॉम्बिनेशन हीटर एंड रिएक्टर। इसका पर्पस क्या है, जरा ध्यान सुनना, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि रिएक्शन जो एंडोथर्मिक नेचर की है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल रिएक्टर्स। एक बार में हम नॉर्मली उतना टेम्परेचर हम लोग राइज नहीं कर सकते, वहां पर एनर्जी कंजक्शन ज्यादा हो जाएगा, और पर्टिकुलरली हीट ऑफ द, आपको उतना हीट कंट्रोल करने के लिए कई सारे आपको प्रोविजंस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, तो यहां पर क्या होता है, नॉर्मली जो मैंने पीछे आपको बताया पूरी कहानी, अभी क्रैकिंग रिएक्शंस होती हैं, पैराफिन्स और नेफ्थीन्स होते हैं, क्रैक होते हैं किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। अब यहां पर क्या बना, जरा ध्यान सुनना क्या बना यहां पर, तो यहां से क्या होगा, रिएक्टर टू से जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा, रिएक्टर टू से जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट हैव द हायर टेम्परेचर, तो उसको क्या करना है, कूल डाउन करना है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की जो हीट होती है उसको यूटिलाइज करते हैं फीड को हीटअप करने में। तो वो एक्सचेंजर था ये, यहां से जो प्रोडक्ट निकल रहा है रिएक्टर टू से, उसकी हीट को यूटिलाइज करते हैं फीड को हीटअप करने में। तो ये है हीट एक्सचेंजर, उसकी हीट को यूटिलाइज करके हमने फीड को क्या कर लिया, गर्म कर लिया, और इससे क्या हो गया, फीड आपका हॉट हो गया और वो जो आपका प्रोडक्ट था वो कूल हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग ये यूटिलाइज करते हैं, चलो पाइप स्टील हीटर। अब आगे देखो जरा, अब यहां से क्या होता है, जो आपकी स्टीम है, ये जो स्टीम जा रही है, इस स्टीम के अंदर क्या है, दो फेज है, एक लिक्विड फेज है दूसरा गैसियस फेज है, बहुत ध्यान सुनना, एक लिक्विड फेज है दूसरा गैसियस फेज है। लिक्विड फेज में क्या है, आपका रिफॉर्मेट और आपका क्या है, गैसोलीन है, और गैसियस फेज में क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को, गैसियस हाइड्रोजन को क्या करते हैं, उसको अलग सेपरेट कर लेते हैं सेपरेटर की हेल्प से, ठीक है ना, ये फेज सेपरेटर है आपका। तो यहां से लिक्विड और आपका गैस जो है ना वो आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, वो आपका अलग सेपरेट कर लेंगे, बाकी जो बचा हुआ लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मैंने क्या बोला, उसके अंदर गैसोलीन है और रिफॉर्मेट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, सुनना जरा ध्यान से। तो उसमें क्या करते हैं, और दूसरा क्या है आपका, वहां पर क्या है, गैसियस फ्रैक्शन जो आपके दूसरे हैं, C3 और C4 कंपाउंड, ये भी हैं आपके, ठीक है ना। तो हम लोग उसको पहुंचाते हैं कहां पर, हम लोग उसको पहुंचाते हैं डी ब्यूटेनाइजर में। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है इसको बोलते हैं ब्यूटेनाइजर, ब्यूटेनाइजर। तो ये ब्यूटेनाइजर क्या करेगा, ये ब्यूटेनाइजर का मेन फ्रैक्शन ये है कि ये जो आपका गैसियस फ्रैक्शन है C3 C4 फ्रैक्शन जो है ना, उसको क्या करेगा, एज अ टॉप प्रोडक्ट आपका सेपरेट करेगा, बाकी जो आपका रिफॉर्मेट है, जो रिफॉर्मेट है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके क्या है, ज़ाइलीन, टॉलुइन, बेंजीन, ये सारे जो फ्रैक्शंस आपके हैं, उनको ये सेपरेट करेगा एज अ बॉटम प्रोडक्ट। तो ये फ्रैक्शनेटर का रोल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्यूटेनाइजर, डी ब्यूटेन, ब्यूटेन को अलग करना है, ठीक है ना। तो वो है डी ब्यूटेनाइजर का रोल। तो यहाँ से गैसियस फ्रैक्शन अलग हो गया, और जो रिफॉर्मेट है, ये रिफॉर्मेट आपका अलग हो गया, जिसके अंदर आपका क्या गैसोलीन और आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना वो मिक्स है, ठीक है। तो ये वर्किंग होती है। अब ये हाइड्रोजन जो यहां से निकल रहा है, इस हाइड्रोजन को नॉर्मली क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन का एक स्ट्रीम जो होता है उसको रिसाइकल कर लेते हैं, कहां पर, जो फीड के साथ में आपने हाइड्रोजन मिक्स किया था, आप कर रहे हो ना लगातार हाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन, तो आप हाइड्रोजन की हेल्प से ही क्या कर रहे हो, वहां पर हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में आप ऐड कर रहे हो या फिर आप रिमूव कर रहे हो। तो एक स्ट्रीम क्या करते हैं, उसको पास कर देते हैं किसमें, आपका रिएक्टर में, फर्स्ट वाले रिएक्टर में, बाकी आपकी जो एक्सेस हाइड्रोजन होती है उसको प्लांट में वेरियस ऑपरेशंस के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। यह हाइड्रोजन प्लांट में क्या करते हैं, वेरियस ऑपरेशंस के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो ये एक आपकी वर्किंग होती है किसकी, ये आपकी वर्किंग होती है नॉर्मली रिफॉर्मिंग यूनिट की, ठीक है, ये वर्किंग होती है आपकी रिफॉर्मिंग यूनिट की। अब जल्दी से पूछो इसमें जो भी डाउट हो, आपको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से क्वेश्चन पूछो। कोई भी अगर डाउट है जल्दी से पूछ सकते हो।
कोई डाउट नहीं किसी को? आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स. कोई डाउट नहीं किसी को? टेम्परेचर फिक्स है क्या बेटा? टेम्परेचर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ना, आपके सामने लिखा हुआ है ना, 927 से 975 डिग्री फॉरेनहाइट के आसपास टेम्परेचर आपका रिएक्टर के अंदर अपने को मेंटेन करना होता है, ठीक है ना. रिएक्टर एक से एक बार समझा दूं, रिएक्टर का प्रेशर बहुत हाई क्यों रखते हैं सर? बेटा देखो नॉर्मली देखो ऐसा है, ठीक है ना, ये जो क्रैकिंग रिएक्शंस आपकी हैं, ये जो क्रैकिंग रिएक्शंस, कैटालिटिक क्रैकिंग रिएक्शंस हैं, दीज आर सपोर्टेड ऑन द हाई प्रेशर, दीज आर सपोर्टेड ऑन द हाई प्रेशर, ठीक है. कैसे पता कि कितना टेम्परेचर पर हीट करना है? बेटा नॉर्मली अगर अपने को पता है, ठीक है ना, कि रोटी कितने टेम्परेचर पर पकती है, तो उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया होगा ना, ठीक है ना. तो ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मली आपकी जो क्रैकिंग रिएक्शन है उसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो डिजाइनिंग के टाइम में आपका डिसाइड होता है, ठीक है ना. वो आपका क्रैकिंग केमिस्ट्री से आपका डिसाइड होता है कि कितने टेम्परेचर पर हीट करना है, ठीक है ना. तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जिनका लॉजिक हो यार, ठीक है. चलो फिर से समझ लो, जब रिएक्टर वन से, मैंने रिएक्टर वन से ये बोला कि नॉर्मली जो आपका फीड आ रहा था उस फीड को हीटर से पास करने के बाद, हीटर से पास करने का मेन पर्पज क्या है, उसको प्री हीट करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्टर के अंदर पास कर रहे हैं. तो रिएक्टर वन और रिएक्टर टू नॉर्मली क्या है, दीज आर द सीरीज वर्किंग मॉडल, सीरीज वर्किंग मॉडल, ठीक है ना. सर विच टाइप ऑफ एक्सचेंजर यूज हियर? नॉर्मल बेटा एक्सचेंजर्स होता है आपका, ठीक है ना, नॉर्मल आपका डबल पाइप टाइप एक्सचेंजर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, डबल पाइप या यूट्यूब टाइप का एक्सचेंजर ही यूज करते हैं. नॉर्मली अपने क्या करना है, हीट का एक्सचेंज करना है, ठीक है ना, वही हम लोग यूज करते हैं. हाँ सुनो जरा, तो अब यहां पर हमने क्या किया है, जो आपका फीड है उसको प्री हीट किया और दोनों के दोनों रिएक्टर के अंदर क्या हो रहा है, आपका क्रैकिंग रिएक्शन हो रही है. तो यहां पर फर्स्ट स्टेज में जितनी क्रैकिंग हो गई उसको पास किया, फिर से हमने हीटअप किया और हीटअप करने के बाद फिर से पास किया रिएक्टर टू में. तो यहां पर एक तरह से क्या होता है, आपका जो क्रैकिंग होती है वो आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है ना. चलो सुनो जरा ध्यान से, अब यहां से जो आपका निकलने वाले जो स्टीम है, यहां से जो निकलने वाला आपका स्टीम है, तो वो पर्टिकुलरली स्टीम को हमको क्या करना है, उसको कूल डाउन करना है. तो कूल डाउन करने के लिए नॉर्मली हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं जो आपका फीड स्टीम है उसके साथ में उसकी हीट जो है उसको एक्सचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है. तो वो स्टीम जो आपकी है दैट हैव द लिक्विड एंड गैसियस फ्रैक्शंस, उसको सेपरेटर में पास कर दे रहे हैं. सेपरेटर से जो आपका हाइड्रोजन वाला फ्रैक्शन है वो आपका सेपरेट हो जाता है, बाकी जो आपका लिक्विड वाला फ्रैक्शन है उसको लेकर के जाते हैं किसमें, फ्रैक्शनेटर में. तो फ्रैक्शनेटर के अंदर क्या होगा, वहां पर फ्रैक्शनेटिंग रिएक्शंस होंगी. तो वहां पर जो C3C4 कंपाउंड है वो आपके निकलते हैं टॉप से, जो कि गैसियस फ्रैक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं. बाकी जो आपका रिफॉर्मेट होता है जो कि एरोमेटिक रिच कंपाउंड है वो आपका निकलता है एज अ बॉटम, ठीक है ना. चलो 35 केजी रखते हैं, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है ना. नॉर्मली मैंने तो नहीं देखा है, नॉर्मली रिफॉर्मिंग में कितना रखते हैं वहां पर प्रेशर, दीज क्रैकिंग रिएक्शंस आर सपोर्ट ऑन द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है. क्योंकि नॉर्मली अगर क्रैकिंग केमिस्ट्री की अगर बात करने जाओगे ना, तो ली चैटर्स प्रिंसिपल के बेस पे अगर आप काम करोगे तो रिएक्शंस आपकी एंडोथर्मिक नेचर की हैं, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट साइड हैं वो क्या हैं, आपके कम हैं. तो अल्टीमेटली आपको जो इक्विलिब्रियम है ना, अगर आपको शिफ्ट करना है रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में, अगर आपको शिफ्ट करना है प्रोडक्ट साइड में, आपका क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके क्या है कंपेयर टू द रिएक्टेंट साइड क्या कम है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में आपको क्या है स्ट्रक्चर जो है ना क्या है मोर कॉम्प्लिकेटेड है. तो प्रोडक्ट साइड में अगर आपको क्या करना है, अपना कन्वर्जन अगर शिफ्ट करना है, तो वहां पर आपको उस प्रोसेस का प्रेशर जो है ना वो हाई ही रखना पड़ेगा. क्लियर? चलो आगे बढ़े अब, स्क्रीनशॉट हो गया, सब कुछ कवर हो गया. चलो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग दोबारा से ले लो, क्योंकि मैंने हाईलाइट कर दिया था तो मेरे को दिख रहा था कि उतना प्रॉपर नहीं है, उतना प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा होगा हाईलाइट करने के दौरान. चलो 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 जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो, है ना, जल्दी से ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं.
हो गया होगा, है ना। चलो ओए किधर गया भाई, नहीं थैंक यू मैं नहीं आना अभी। चलो अब सुनो जरा ध्यान से, अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, ठीक है। वो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलो देखो जरा, देखो 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 देखो, अब आते हैं आगे। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं एल्काइलेशन के बारे में। बहुत ध्यान सुनना, एल्काइलेशन के बारे में बात करनी है अब, ठीक है। यहाँ से क्या होने वाला है, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पर असली फील आपको मिलने वाला है जब एल्काइलेशन की बात करते हैं। तो एल्काइलेशन का मेन पर्पज़ ये है, मेन पर्पज़ ये है कि आपके पास जो ओलेफिन बन रहे हैं, रिएक्शन में बन रहे हैं ना ओलेफिन कहीं ना कहीं, ठीक है ना, उन ओलेफिन को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये मेन अपना बेनिफिट कहाँ पर है, ये बेनिफिट है एल्काइलेशन यूनिट का। इसका मेन पार्ट क्या है जरा ध्यान सुनना, इसका मेन पार्ट ये है कि ये ओलेफिन्स और आइसोपैराफिन्स, सुनना जरा ध्यान से, इन दोनों को यूटिलाइज करके क्या करता है, इन दोनों को यूटिलाइज करके आपका प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइलेट, उसको बोलते हैं एल्काइलेट। बहुत ध्यान सुनना जरा, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन आपका बनता है एल्काइलेट बोलते हैं उसको, ठीक है। ओलेफिन्स और आइसोपैराफिन्स, इन दो को क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है। अब नॉर्मली देखो यहाँ पर फायदा क्या मिल रहा है, सपोज मान लो क्या है, हमने कोई एक प्रीवियस यूनिट में जो फ्रैक्शन जनरेट किया था गैसोलीन का, ठीक है ना, तो वहाँ पर कन्वर्जन होने के बाद या फिर आपका जो फाइनली जो आपको वॉल्यूम मिला गैसोलीन का, जो आपको वॉल्यूम मिला वो क्या है, नॉर्मली क्या है, वो आपका कम है। हाँ बेटा, स्पेशल क्लास को आप बाद में देख सकते हो, आज का लिंक आपको मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा लिंक, या मेरी प्रोफाइल को अगर आप सर्च करोगे तो आपको आज का लेक्चर दिखेगा, ठीक है ना, केमिकल टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज पॉलीमराइजेशन 2 नाम से, ठीक है, ये आपको दिखेगा नॉर्मली, और इसमें आपको आज की डेट दिखेगी, आप उसको जा करके देख सकते हो, ठीक है। सारे के सारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेंट आप कभी भी देख सकते हो, कुछ भी आपका प्राइवेट या डिलीट नहीं होता, ठीक है। आप स्पेशल अगर ज्वाइन कर रहे हो तो स्पेशल का कंटेंट देख सकते हो, यूट्यूब का आप देख ही सकते हो, प्लस का है अगर तो प्लस का भी आप देख सकते हो, अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हो जाता है तो ये फैसिलिटी आपके पास हाथ में हमेशा रहती है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो मैंने क्या बोला कि सपोज मान लो क्या है कि आपका नॉर्मली कोड क्या है, कोड इज SKP100, ठीक है ना, ये कोड बिल्कुल सबके जिमान पर आ चुका होगा यार, SKP100 सुमित कुमार प्रजापति 100, दिस इज कोड। अब सुनना जरा ध्यान से, अब ध्यान सुनना, अब अपने हमने क्या किया कि नॉर्मली जो गैसोलीन का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली कितना गैसोलीन आपका निकल रहा है, दिस इज मेजर टास्क, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, जिस हिसाब से आपकी डिमांड बढ़ती जा रही गैसोलीन की, उतना गैसोलीन आपके पास अवेलेबल भी तो होना चाहिए रिफाइनरी में, ठीक है ना। तो रिफाइनरीज क्या करती हैं, अल्टीमेटली गैसोलीन का फ्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करती हैं कि सपोज मान लो क्या था, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करते हैं कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर लिया, 100% कंसंट्रेशन या 99% कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, और उसको बाद में क्या करते हैं, उसको बाद में डाइल्यूट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है आपका, एक तरह से फ्रैक्शन जो है ना, ये वॉल्यूम जो है ना, हमने ज़्यादा कर लिया, अल्टीमेटली उसको ज़्यादा क्वांटिटी में हमने तैयार कर लिया। हम सेम फिनोमेना यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, आइसोपैराफिन इज ऑलरेडी द हायर ऑक्टेन गैसोलीन, लेकिन इसका भी क्या है, इसका फ्रैक्शन अभी कम है। सपोज मान लो अभी ये 100 लीटर बना है, एग्जांपल के तौर पे सपोज मान लो अभी ये 100 लीटर बना है, हमें क्या करना है, इस 100 लीटर गैसोलीन से क्या है ना, हमें 200 लीटर गैसोलीन बनाना है, 100 लीटर गैसोलीन से हमें 200 लीटर गैसोलीन बनाना है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ओलेफिन अवेलेबल है ना, ओलेफिन क्या है, वेस्ट है, ये अगर फ्यूल के साथ में जाएगा तो ये काम करेगा खराब काम, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इस ओलेफिन को क्या करना है, यूटिलाइज कर लेना है, इस ओलेफिन को यूटिलाइज कर लेना है। अब उसको समझना जरा, कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये काम कर रहे हैं हम, कहां पर ये काम कर रहे हैं, एल्काइलेशन में, ठीक है। तो यहां से फायदा क्या होगा, एक तो अपना ये होगा कि अल्टीमेटली जो आपका फ्रैक्शन निकलेगा वो फ्रैक्शन का एक तरह से क्या होगा, गैसोलीन का फ्रैक्शन निकलेगा, दूसरा क्या है, ऑक्टेन नंबर रिच निकलेगा, और प्रोसेस भी क्या होती है, सस्ती प्रोसेस होती है। अब सुनना जरा कैसी प्रोसेस होती है, मैंने क्या बोला, ओलेफिन, बहुत ध्यान सुनना जरा, इसकी केमिस्ट्री समझने में बहुत मजा आने वाली है, इसकी केमिस्ट्री समझने में बहुत मजा आने वाली है, ठीक है, सुनना। तो मैंने क्या बोला, ओलेफिन, ओलेफिन क्या है, C डबल बॉन्ड C
दिस इज योर ऑलफिन, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, मैं कोई नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ये मैंने कोई ऑलफिन ले लिया, इस ऑलफिन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, एक रिएक्टिव हाइड्रोजन आयन के साथ में या प्रोटॉन के साथ में, नॉर्मली इसको हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से आया सर, ये कहाँ से आया, जो कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं ना, एसिडिक कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं, तो ये वहां से निकल करके आता है आपका हाइड्रोजन आयन, या फिर हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, रिएक्टिव प्रोटॉन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यस यस यस, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव प्रोटॉन बोलते हैं। अब ये क्या करेगा जरा ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलरली जो आपके पास स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना उसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा, ये क्या हो गया, प्रोटॉन सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन, इसको बोलेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन, ऑलिफिन इसको बोलेंगे। ये सुनते हुए चलना जरा ध्यान से बहुत, क्योंकि यहीं से आपको फील आएगा इस यूनिट का, इसकी कोई वर्किंग वर्किंग नहीं है, पूरा फील आपको इस रिएक्शन से ही आने लगेगा अभी, ठीक है। अब यहां से क्या बन गया, प्रोटॉन सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन बन गया। अब ये ऑलिफिन क्या करेगा, बहुत ध्यान समझना जरा, ये ऑलिफिन क्या करेगा, दिस विल रिएक्ट विद द, क्या बोला मैंने, आइसोपैराफिन बोला, दिस इज योर आइसोपैराफिन, देखो बाबू जरा ध्यान से, दिस इज योर आइसोपैराफिन, देखा। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको, ये जो आपका है, तो ये क्या करेगा, जो आपका ये रिएक्टिव जो प्रोटॉन सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन है, ये अपना जो रिएक्टिव आयन है ना इसको ट्रांसफर कर देगा इस पर, बहुत ध्यान से देखना भाई, इसको ट्रांसफर कर दिया इस पर, और दूसरा एक आपका क्या निकल गया, एक एल्केन निकल गया, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गैसियस स्ट्रक्चर, तीन कार्बन है, एल्केन है, निकल गया एल्केन। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टिव, रिएक्टिव कार्बोनियम, कार्बोनियम आयन, सुनना जरा ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं, और ये क्या है, आपका एक एल्केन जो है ना निकल गया, जो कि गैसियस स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब आगे देखना जरा, अब आगे देखना जरा, अब ये जो आपका रिएक्टिव कार्बोनियम आयन है, बहुत ध्यान सुनना जरा, अब ये जो आपका रिएक्टिव कार्बोनियम आयन है, ये क्या करेगा, दोबारा से जो आपके पास ऑलिफिन था ना, बहुत ध्यान से देखना जरा, दोबारा से जो ऑलिफिन था उसके साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। दोबारा से क्या है, जो ऑलिफिन था उसके साथ में रिएक्ट करेगा, तो अब ये क्या बनाएगा, अब ये क्या बनाएगा, देखो जरा ध्यान से, तो ये नॉर्मली जो ऑलिफिन था उसको कन्वर्ट कैसे करेगा, रिएक्शन टेढ़ी लिखनी पड़ रही है यार, स्पेस नहीं है इधर, तो ये कन्वर्ट करेगा इसको लाइक दिस, बहुत ध्यान से देखना जरा, लाइक दिस, ठीक है। ये इसको इस तरह से कन्वर्ट करेगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो अभी क्या है, आपको एक चीज क्लियर होने लगी कि नॉर्मली आपका चैन जो है ना वो आइसोमरिक भी होने लगी और चैन की लेंथ भी इंक्रीज होने लगी, तो अल्टीमेटली क्या है, यहां से पता चलने लगा कि आपका उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ऑक्टेन नंबर भी बढ़ने लगा, चैन देखो आइसोमरिक होती जा रही है, चैन की लेंथ भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में आइसोमरिक भी हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका क्या होगा, वो आपका ऑक्टेन नंबर इनहेंस करेगा, क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको दोबारा से रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, ठीक है। अभी ये ऑलिफिन के साथ में कर चुका, अब ये क्या करेगा, ये दोबारा से रिएक्ट करेगा किसके साथ में, आइसोपैराफिन के साथ में, तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा जरा ध्यान से देखना, this will convert like this plus का दोबारा से आपका रिएक्टिव कार्बोनियम आयन जो है ना वो दोबारा से रिजनरेट हो गया, देखो जरा ध्यान से, दोबारा से रिजनरेट हो गया, इससे फायदा ये हो गया, ये देखो रिएक्टिव कार्बोनियम आयन था, ये वाला दोबारा से आपका जनरेट हो गया, तो इससे फायदा ये हो गया, हमको बार बार कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं, हमको बार बार प्रोटॉन सब्स्टिट्यूशन कराने की जरूरत नहीं, वहां पर रिएक्शन अपने आप जो है ना फॉरवर्ड होने लगी, और ये आपको देखो एक जो प्रोडक्ट निकल करके आ गया आपके सामने, दिस इज योर, दिस इज योर आइसोमरिक प्रोडक्ट, दिख रहा होगा आइसोमरिक प्रोडक्ट निकल करके आ गया, ऑक्टेन नंबर इनहेंस हो गया, ऑलिफिन यूटिलाइज हो गए, सारे काम हो गए हम जो चाहते थे, और आपका रिएक्शन जो है ना कॉन्टिन्यूस फेज में चलती रहेगी, आपको बार बार कैटलिस्ट डालने की नीड नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एल्काइलेशन यूनिट, क्लियर हुआ, जल्दी से पूछो जरा, जिसको भी समझ में ना आया हो जल्दी से पूछ सकता है, क्लियर हुआ।
जल्दी से पूछो भाई, जिसको भी जो भी डाउट है जल्दी से पूछे। क्लियर हो गया? रीजनरेशन, यस, रिएक्टिव कार्बोनियम आयन रीजनरेट्स, ये रीजनरेट आपका हो जाता है, ठीक है ना। और ये आपका क्या बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइलेट, इसको बोलते हैं एल्काइलेट। दिस इज द हाई ऑक्टेन नंबर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया ना? चलो इसको जरा नोट कर लो फिर अपनी लैंग्वेज में, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं आगे बताता हूँ। इसको यहाँ से नोट कर लो जरा, एक एक स्टेप नोट करना। ये इसका पहला स्टेप होता है, ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है, ये इसका सेकंड स्टेप होता है। रुकना जरा, पहले मैं स्टेप नंबर डाल दूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। ये इसका थर्ड स्टेप होता है और ये इसका फोर्थ स्टेप होता है, ठीक है। एक तरह से चार स्टेप के अंदर ये रिएक्शन जो होती है कंप्लीट होती है। अब यहाँ से नोट कर सकते हो आप, अब यहाँ से आप नोट कर सकते हो। सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंडस्ट्री टू, प्रोडक्ट्स के नाम बताओ बेटा। सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट्स के नाम बताओ। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? रीअरेंजमेंट मींस यस, दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट। हो गया? चलो ये नोट करो, यस बेटा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट अगर नहीं हो रहा होता तो पर्टिकुलरली ये जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं ये कैसे आपके बनते, ठीक है ना। तो कार्बन का रीअरेंजमेंट सिंपली क्या है, आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो चैन एक तरह से क्या हो रहा है, ग्रो अप हो रहा है। तो अगर आप देखो इसको गौर से, तो अगर आप इसको कंट्रोल्ड कंडीशन पर नहीं करेंगे, अगर इसको कंट्रोल्ड कंडीशन पर नहीं करेंगे तो नॉर्मली ये एक पॉलीमरिक रिएक्शन भी हो सकती है, पॉलीमरिक रिएक्शंस भी हो सकती है। तो नॉर्मली वहां पर अगर पॉलीमर फॉर्मेशन होने लगा तो फिर वो गम फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो नॉट डिजायरेबल है, ठीक है। चलो अब आते हैं अगली बात पे, तो सर ये जो हाइड्रोजन आयन आया था ये कहां से आया था? तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं दो टाइप के कैटलिस्ट। पहला जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज द H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा यूज करते हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। इन दो को यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो अगर H2SO4 का हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके पर्टिकुलरली प्रोसेस के दौरान जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 4.4 बार, और यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो 7 बार के आसपास होता है। आपका क्या प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ये प्रेशर है आपका। टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्या है टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बेटा वो तो मैं पढ़ाऊंगा ना अभी, C1, C2, C3 कंपाउंड जो है ना वो पढ़ाऊंगा ना पेट्रोकेमिकल के अंदर पढ़ाऊंगा सब, ठीक है महादेव। आई विल कवर दीज कंपाउंड्स इन द पेट्रोकेमिकल सेक्शन, C1 कंपाउंड, मेथेनॉल, ठीक है ना, आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे कंपाउंड जो आपके हैं ना, C2 कंपाउंड, एथाइलीन, ठीक है, ये सारे कंपाउंड जो है ना दीज विल बी कवर इन द पेट्रोकेमिकल सेक्शन, ओके। चलो सुनो जरा ध्यान से, हाँ आप पढ़ चुके बेटा आरके मेहता मेरे से पहले से, ठीक है ना। H2SO4 और HF की बात करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नॉर्मली क्या है, H2SO4 का अगर आप यूज करते हो तो अपने को पता है H2SO4 इज ए स्ट्रांग एसिड अगर है तो नॉर्मली हमको यहाँ पर रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नॉर्मली स्ट्रांग एसिड है, यहाँ पर आपकी हीट जो रिलीज होती है, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन जो है ना
रेफ्रिजरेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं है, रेफ्रिजरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर ये रिक्वायर्ड नहीं है, रेफ्रिजरेशन जो है ना वो नॉट रिक्वायर्ड है फॉर द केस ऑफ द हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं आपके जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द केस ऑफ द एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिडिक कैटलिस्ट का हम लोग यूज करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में आ चुका है, H2SO4 और HF, ध्यान रखना H2SO4 और HF यहां से भी क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलो नोट करो जरा जल्दी से इसको, इसको जल्दी से जरा नोट करो। हो गया होगा आई थिंक, हो गया ना, चलो। तो एक चीज यार आज मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा आप लोग के लिए, ये एक मेजर फ्रैक्शन जो था ना, मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज हम लोगों ने कवर किए हैं रिफॉर्मिंग और एल्काइलेशन, इसके बाद हम लोग जो कवर करने वाले हैं अभी वो आपका है नॉर्मली क्या, हाइड्रो क्रैकिंग वाला पार्ट, ठीक है, हाइड्रो प्रोसेसिंग वाला पार्ट, विस ब्रेकिंग और कुकिंग, अभी अपने पास ये मेजर जो यूनिट्स है वो अभी बची हुई हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली जो आपकी यूनिट्स हैं और यही यूनिट से आपका हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जाता है, इन पर्टिकुलर यूनिट से ही आपका हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका गैस ट्रीटिंग यूनिट्स होती हैं, स्वीटनिंग आपका जो प्रोसेस होती है नॉर्मली, तो वो उनके बारे में भी हम लोग नॉर्मली थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, गैसियस फ्यूल वाला पार्ट में कवर कर चुका हूँ ना, जल्दी से बोलो जरा मेरे को, गैसियस फ्यूल वाला पार्ट में कवर कर चुका हूँ ना, एलपीजी, नेचुरल गैस, सिंथेसिस गैस, हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, जल्दी से बोलो कवर कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका हूँ मैं, बहुत से ऐसे होंगे जिनको ध्यान ही नहीं होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिनको ध्यान नहीं होगा, ये पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं ना, रिप्लाई करो भाई जल्दी से यार। हाँ, स्टीम रिफॉर्मिंग में कवर किया था ना हम लोगों ने, स्टीम रिफॉर्मिंग में, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि गैसियस फ्यूल्स वाला पार्ट, गैसियस वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, गैसियस वाला, एलपीजी वाला कवर किया था, है ना, पूरा कवर कर चुके हैं ना हम लोग, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली में ना ध्यान नहीं था और उसका मैंने क्लास आपको शेड्यूल कर दिया दोबारा से, तो उसको मेरे को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा ना। हाँ चलो, तो आज भाई मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना, और आज थोड़ा सा कैलोरीफिक वैल्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका था ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और इसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे यार, अभी कल भी आपका लेक्चर है, कल छुट्टी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अभी कल भी आपका लेक्चर है, ध्यान रखना कल भी आपका लेक्चर है, घर नहीं बैठ जाना, मैं जैसे बाई चांस अगर लिंक शेयर नहीं कर पाता हूँ आप तक, अगर नहीं पहुँचा पाता हूँ तो मैं आज क्लास में बोल देता हूँ कल आपका लेक्चर है या नहीं है, तो कल भी अभी आपका लेक्चर है, कल भी हम लोग सेम टाइम 8:30 पर मिलेंगे और कल दोपहर में 3 बजे फर्टिलाइजर वाला सेक्शन के लिए जरूर याद रखना, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और इसके बाद जो आपका पार्ट बचा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो बचा हुआ है, दैट इज योर पेट्रोकेमिकल पार्ट, ठीक है ना, वो पेट्रोकेमिकल वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे और फर्टिलाइजर वाला भी डिस्कस करेंगे। टेंशन देखो दिमाग में यार, तुम लोग जानते हो टेंशन बैठा करके चल रहे हो कि यार कैसे होगा, अच्छा अगर मैं मानता हूँ नहीं होगा तब क्या करोगे, अगर नहीं होगा कुछ रह जाएगा तब क्या करोगे, ठीक है ना, तो उसमें अब डरने की जरूरत नहीं है, मैंने अगर ये चीज बोला हुआ है कि जब तक मैं खड़ा हूं यहां पर तब तक आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, अगर नहीं होगा रह जाएगा तो मैं कराऊंगा बाद में कराऊंगा, ठीक है ना, बाद में कराने का मतलब ये है नॉर्मली क्या, मैं किसी भी दिन आपका क्लासेस लगा करके जो सेक्टर आपका बचा होगा ना वो सेक्टर का आपका क्लास लेकर के फिनिश कर दूंगा, खत्म चीज। तो अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो आपको ये सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कोई भी पार्ट अगर रह जाएगा तो कैसे होगा,
मैंने अगर बोला हुआ है कि केमिकल टेक्नोलॉजी अगर पूरा का पूरा मैं कवर करने के लिए अगर जिम्मेदार हूँ तो मैं किसी भी फॉर्म में कवर करूंगा। अभी आपका मैंने वो पार्ट कवर कर दिया है पूरा का पूरा जहां से आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन रुके ना। अभी बहुत से आपके नॉर्मली एग्जाम्स आने वाले हैं हाल ही में। पेट्रोलियम रिफाइनरी बेटा पूरा कराऊंगा, टेंशन नहीं लो पंकज, पूरा कराऊंगा यार, ठीक है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरी पूरा कराऊंगा यार। चलो तो आज फिर यहां से फिनिश करें हम लोग, कल मुलाकात करते हैं 3 बजे दोपहर में और फिर शाम को 8:30 बजे। ओके चलो, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गुड नाइट। पूरा पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहा करो बेटा और अपने नोट्स जो है ना प्रॉपर बनाते रहा करो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। आपके जो नोट्स हैं वही आपके प्रॉपर हथियार हैं, तो अपने नोट्स जो है ना जरूर मेंटेन किया करो सभी लोग, ठीक है ना। चलो थैंक यू, गुड नाइट।